नमस्कार आवाज देश की में आपका स्वागत है मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर बनते भारत की लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ रेखांकित किए अर्थव्यवस्था आधारभूत संरचना प्रणाली जीवंत जनसंख्यिकी और मांग आत्मनिर्भर भारत अभियान में पूरी दुनिया के लिए मदद की भावना भी शामिल है देश फिलहाल पिचासी से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है नौ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट छः करोड़ से बढ़कर सोलह हजार करोड़ पहुंच गया है वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कृषि निर्यात तिरपन दशमलव एक पाँच बिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंच गया है एफ में सुधार ने भारत की कृषि वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है समुद्री उत्पाद का निर्यात पाँच दशमलव शून्य दो बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आठ दशमलव शून्य आठ बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है चीनी निर्यात आठ सौ दस दशमलव नौ शून्य मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर पाँच दशमलव सात सात बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है भारत से मोबाइल फ़ोन निर्यात दो बरस में दोगुना होकर नौ करोड़ रुपये के पार पहुँच गया है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है और घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है इन तमाम बिंदुओं को साथ में समाहित करते हुए एमएसएमई सेक्टर से बहुत सारे लोग हैं स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मुकेश जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये तस्वीर क्या सचमुच भारत को आत्मनिर्भर बना रही है क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें जी देखिए पृथ्वी जी मैं आपने तो खैर काफी डाटा दिए मैं एक और इसमें अगर ऐड करना चाहूँ वो शायद ये प्रूव कर देगा कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर होने का मतलब यही है कि भाई रोजगार ढूंढने की जगह हम खुद रोजगार देने वाले बन जाएं मुद्रा लोन एक ऐसी स्कीम है जिसमें थर्टी सेवन करोड़ से भी ज़्यादा लोन दिए गए और बीस लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लोन डिसबर्स किया बैंक्स ने इस अकेली स्कीम में यानी आप समझिए जो ये सैंतीस करोड़ जो लोन दिए गए उन सभी लोगों ने कोई ना कोई एक किसी ने एक किसी ने दो किसी ने तीन लोगों को एम्प्लॉय किया होगा इसी से मैं समझता हूं कि ये तस्वीर शायद साफ़ हो जाती है कि हमारा देश हाँ आत्मनिर्भर हो रहा है और जितनी भी स्कीम मैं समझता हूं 2014 के बाद अनाउंस हुई हैं चाहे वो मुद्रा हो जनधन स्कीम हो सी डी में जो लोन है उसकी सीमा बढ़ा दी गई हो या ये स्टार्टअप स्कीम के बारे में बात हो जितनी भी स्कीमें मैं समझता हूँ कि सभी स्कीम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शायद एक बहुत ही मजबूत रोल प्ले कर रही जी जी बहुत बढ़िया एम ऐसा भी आ, कह सकते हैं कि रीड की हड्डी होती है बैकबोन है हमारी अर्थव्यवस्था की ये जो निर्माण के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है या फिर साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है भारत का क्या उसमें एमएसएमई की क्या कोई विशेष भूमिका रही है रही है तो क्या रही तो एमएसएमई जीडीपी में 30 प्रतिशत का योगदान देता है जो कि एक अपने मायने में एक अच्छी संख्या है और आज की डेट में एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों ही देश की प्रगति के लिए आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए उस दिशा में बहुत अच्छे से योगदान कर रहे हैं ऐसा मेरा मानना है एमएसएमई और स्टार्टअप सिस्टम्स का जी जी, जी। आपने मुकेश जी आपने बताया भी है कोई और इस बात पर प्रकाश डाले जो स्कीम्स जो है 2014 के बाद अनाउंस हुई लागू हुई उनका क्या लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिल पा रहा है देखिए दो हज़ार चौदह के बाद जो डिजिटलाइजेशन है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मैं अपीडा का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं राइस एक्सपोर्टर भी हूँ डोमेस्टिक मार्केट में भी हूँ तो पहले अपीडा में हर बात के लिए चेक कागज़ जमा कराना चेक जमा कराना सब कुछ ऑनलाइन है ऑनलाइन डाली ऑटोमेटिक होता है जैसे अब आपका उद्यम सर्टिफिकेट है ऑनलाइन डालिए सब कुछ ऑटोमेटिक होता है हर चीज़ अब जैम पोर्टल गवर्नमेंट ने लगाया है छोटा बड़ा व्यापारी वहाँ के बेचने वाला बेच सकता है माल खरीदने वाला खरीद सकता है जैम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है बहुत अच्छा पोर्टल है जो उस पर नहीं है जुड़ रही है तो डिजिटाइजेशन से लोगों को कुछ स्कीमों का लोगों को मालूम नहीं है मगर फोर्टी रोजगार एम के थ्रू ही भारत सरकार को जा रहा है भारत मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या अपने देश को जा रहा है भारत देश को जा रहा है एमएसएमई छोटे बड़े उद्योगों में चाहे वो आपका माइक्रो सेक्टर हो स्मॉल हो मीडियम हो तो एमएसएमई एक विशेष रोल अदा कर रहा है गवर्नमेंट कंधे से कंधा लगा के एमएसएमई को सपोर्ट भी कर रही है और बैंकर भी सपोर्ट कर रहे हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया में अब जो नेशनल बैंक है वो तक आ गए हैं तो गवर्नमेंट का पहल है लोगों को स्कीमों का पता नहीं है वो एक अलग बात है ये जो बात यहाँ पर कही है मुकेश जी क्या इज डूइंग ऑफ बिजनेस को लेकर सरकार बहुत गंभीर रही है हमने देखा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री उसका लाभ भी मिल रहा है और डिजिटल इंडिया बनाई जा बनाया जा रहा है और लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि एक अरब बीस करोड़ की आबादी उस वक्त तो बीस करोड़ थी अब चालीस करोड़ के आसपास हो गई एक अरब चालीस करोड़ कहाँ डिजिटल हो पाएगी गांव खेड़े हैं गांव का देश है भारत लेकिन क्या उसको कह सकते हैं जन भागीदारी ने उस बात को धता बता दिया और प्रधानमंत्री की जो सोच थी उस पर मोहर लगा दी जी बिल्कुल जैसे अभी मेरे दोस्त ने बताया कि भाई डिजिटल इंडिया मैं समझता हूँ कि पहले वास्तव में ये होता था आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया एम एस स्टार्टअप मंथन का जहाँ पर सभी बैंकर्स आए और उन्होंने कहा कि हम लोन देना चाहते हैं पहले ऐसा होता था कि एक एम मैं समझता हूँ कि मैंने वो समय देखा है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म अगर ब्रांच से लेके दिखा दे तो समझते थे कि बहुत बड़ा किला जीत लिया भैया एप्लीकेशन फॉर्म तो आज मिल गया आज बैंक्स यहाँ पर हमने बात की बैंक्स ने कहा कि आपको ब्रांच में बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है आप बस डिजिटली अप्लाई कीजिए और बहुत जल्द सभी बैंक शायद ये डिजिटल लोन धीरे धीरे करके जो इसका अमाउंट है दस लाख तक है फिर और आगे बढ़ाएंगे इसी तरह केवल बैंकिंग सेक्टर में ही नहीं किसी भी सेक्टर में मैं समझता हूँ कि जो हमें लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था या जो भी हमारी बिजनेस से करने की जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ तक हो गया है अगर आप देखेंगे कि सरकार कह रही है कि आपको तो आने की जरूरत है ही नहीं आपको डिजिटली तो सब अप्लाई करना है और कुछ अगर पेपर फिजिकल फॉर्म में सबमिट भी करने हैं तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ से लोग आएंगे आपके यहाँ पर आप बस बता दीजिए किस समय मिलेंगे आप कहाँ पर मिलेंगे हम आएंगे अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए बस हमें दे दीजिए इससे बड़ी सुविधा मैं समझता हूँ कि ये शायद एक ऐसा सपना है जो शायद हम में से किसी ने शायद देखा होगा ना सोचा होगा मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी जीत है और इसकी वजह से करप्शन बहुत कम हुआ है जी तो, कहना मैं ये कहना तो, सकते है तो मैं ये कहना चाहूँगा बजाना चाहे तो बजा सकते हैं बिल्कुल तो मैं ये कहना चाहूँगा मैं खुद स्टार्टअप भी हूँ और एक एम भी हूँ स्टार्टअप इंडिया में एक लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं जिसमें सिर्फ 800 लोगों को ए टी आई एस सी का टैक्स बेनिफिट मिला है तो मैं एज ए स्टार्टअप वो टैक्स बेनिफिट ले चुका हूं यानी कि सरकार की जो सुविधा है वो ग्राउंड पे उतर कर मिल रही है मैं जब आप ये बात कर रहे हैं तो और लोगों को जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हाँ। क्या कुछ किया जाना चाहिए कि वो भी फुलफिल तो हो दूसरा एग्जांपल ये दूंगा एमएसएमई का तो मैं सीजीटी एमएससी स्कीम का भी लाभ उठा रहा हूँ और मैं मानिए 2016 में मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया है मैं एक भी दिन किसी भी सरकारी महकमे में नहीं गया सब कुछ मैंने ऑनलाइन लिया है चाहे वो क्रिसल रेटिंग हो चाहे वो एन सर्टिफिकेट हो डी सर्टिफिकेट हो ए टैक्स ऑलरेडी और, और यहाँ तक कि ऑडिट के लिए भी मेरा सारा फेसलेस हुआ है और जहाँ मुझे अच्छे से याद है जब मैं पुराना एक कंपनी चलाता था तो आ, टीडीएस डी लेने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी लेकिन आज मेरा टीडीएस अपने आप इवेल्युएट होकर मेरे अकाउंट में आता है जी जी। तो ये डिजिटल इंडिया की जो मोहर लगी है वो सच में ग्राउंड पे टायर वन सिटीज में तो लगी है लगी है। ये बात ठीक है कि मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगी जब हमारी औद्योगिक इकाइयां सही ढंग से काम करें और स्टार्टअप्स को बैंकों का सहयोग मिले लोन मिल पाए बैंक सेक्टर से कुछ लोग एनपीए एक ऐसी परेशानी है दुविधा है जिसमें वेट एंड वॉच की स्थिति बैंक सेक्टर्स जो है कहीं ना कहीं बनाए हुए था इसलिए लोन जो है बहुत हाथ खींच के दिया जा रहा था क्या उसमें अब कुछ भूमिका में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका में कुछ बदलाव आया है या फिर उस पर कुछ विचार हो रहा है जिससे जिस, जिस निर्माण के की गति की बात हैं उस निर्माण की गति में और ज़्यादा इजाफा हो बहुत बड़ा सहयोग या कह सकते हैं रोल बैंकिंग सेक्टर का है आज के दिन में बैंकिंग सेक्टर पिछले दशक में लगभग सबसे स्ट्रांग पोजिशन में है इसमें सबका सहयोग रहा है इतने बड़े महामारी आने के बावजूद भी एमएसएमई ने इस देश को बांध के रखा जहां बड़े इंडस्ट्रीज रुक गए थे एमएसएमई इंडस्ट्रीज और बैंकों ने भी सपोर्ट किया उस समय जी सरकार का स्कीम आया जी स्कीम से पूरा हैंड होल्डिंग हुआ और आज के दिन में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में बैंक से और छोटा सा दस हज़ार रुपया पी एम से लेकर के दस करोड़ का स्टार्टअप आज बिना किसी को के बैंक दे रहा है और बैंक घर जाके दे रहा है ये एक बहुत बढ़िया परिवर्तन आया है और नीचे का तबका जब ऊपर आना शुरू होता है तो बैंक के लिए और अच्छा होता है तो बैंक के लिए ढूंढ ढूंढ के स्कीम बना रहा है कौन सा बैंकों में आपस में इतना कंपटीशन है कि कौन सा बैंक पीछे छूट रहा है ये बड़ा अच्छा परिवर्तन आया है जिससे कि हम लोग सारे के सारे हमारा इकोनॉमी ऊपर उठ रहा है तो बैंक्स पूरी तरह से तैयार है सारे बैंक्स आज हम लोग कई बैंक्स थे सारे बड़े बैंक यहाँ थे

बैंक नज़र नहीं आता है तो मैं झाजी से ही ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस चीज़ को हम कैसे कवर कर पाएंगे आपका प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ कि जितने भी आज स्टार्टअप कर रहे हैं यूथ वाले इनको बैंक पे भरोसा नहीं है इनको इन्वेस्टर्स पे भरोसा है जबकि इन्वेस्टर्स आधा इक्विटी खा जाता है और कुछ सालों के बाद वो उस कंपनी का मालक भी नहीं रहता है जबकि हमें बैंक पे ज़्यादा भरोसा कर कर अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए लेकिन ये बैंक जो है, ये बहाल हो कि बैंकिंग सेक्टर जो है स्टार्टअप पर विश्वास करे और उनको लोन दे या उनके निवेश में कहीं ना कहीं सहयोग करे जी देखिये प्रक्रिया है प्रक्रिया है हम ये कार्यक्रम किए आज ये भी एक प्रक्रिया है विश्वास बनाने का और ये जो नया दस करोड़ का स्टार्टअप स्कीम आया है ये स्कीम अभी नया आया है तो इसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा विश्वास तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और कोई ये बात नहीं कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है एक प्रोसेस से हम लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं और हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं और अगर इस इसी तरीके से इसी गति से हमारे कदम आगे बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे आगे भी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं सर मैं एम के बारे में बोलूँगा मैं एक यूथ हूँ मैंने जब स्टार्टअप शुरू किया अपना तो मेरी एज ट्वेंटी सिक्स थी उस एज में मेरी थ्री जनरेशन तक किसी ने बिजनेस नहीं किया uh, मोदी सर के हमारी स्कीम्स थी एमएसएमई के बारे में डिटेल्स थी कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाओ मैंने हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया टेराकोटा का बेसिकली ये ये कम्यूनिटी वाला काम है कुम्हार का तो मेरी फैमिली ने इसको अपोज़ किया पर मेरे को गवर्नमेंट की पॉलिसी पर इतना फेद था मैंने काम शुरू किया और हर साल हमारी ग्रोथ टू हो रही है और आज मेरे दस पर्सन मेरे अंदर काम कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स को देख के खुशी होती है तो इसके लिए मैं एमएसएमई को और मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कर मैं एक्चुअली अलवर राजस्थान से हूँ और जो कि कम्पेरेटिवली एक स्मॉलर सिटीज आती है मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि नो डाउट गवर्नमेंट ने पिछले पाँच छः सालों में काफ़ी जो है स्कीम्स लेके आए हैं और इनफैक्ट ओवरऑल जो है फाइनेंशियल तो सेक्टर में बिज़नेस सेक्टर में काफ़ी ओपन अप हुआ है जो बेसिकली जो पहले जो इतना अवेयरनेस भी नहीं थी लिब्रलाइजेशन भी नहीं था लेकिन अब तो जो है जब क्योंकि तो स्कीम्स हम जो देखते हैं गवर्नमेंट की तो प्लानिंग देखते हैं वो अब हमको धीरे धीरे जो पहले नहीं था पता लग रहा है बाकी नो डाउट बैंक्स भी जो है काफ़ी आगे आ रहे हैं बैंक्स आगे आ रहे हैं और वो काफ़ी आगे चल के सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम्स हैं लिबरलाइजेशन है जो आर्थिक उन्नति है थोड़ा गवर्नमेंट ये करे कि ये केवल महानगरों तक सीमित ना रहे इसका लाभ इसकी अवेयरनेस छोटे छोटे शहरों में भी पहुंचनी चाहिए छोटे शहर से दीजिएगा छोटे शहरों में भी जी 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 ये ये शहर गुरदीप जोशी हूँ जो शहर तो, है उसमें ऐसा है की बिल्कुल सही बोला था उन्होंने सही बोला की जो टायर थ्री सिटीज है तो मतलब वहाँ के इवन बैंकर्स भी है जो उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है मैं कई बार पर्सनली भी उनसे पूछता हूँ की ऐसी कोई स्कीम है वो मतलब सोचने लग जाते हैं कि ऐसी कोई स्कीम है भी कि नहीं है मतलब उनको फिर हमने वेबसाइट को दिखाना पड़ता है तो ये, है कहां पे ये, ये, बड़ा ये गैप अवेयरनेस मतलब मतलब। एक, एक, एक एक, जो इन्होंने बात किया ये एक मुद्दा है लेकिन अभी बैंक अवेयरनेस तो है लेकिन बैंक कर्मचारी भी उतने सहयोग करते हुए नजर नहीं आते हैं छोटे शहरों में और विशेष रूप से गाँव में उनके बीच भी कोई क्या वर्कशॉप की जानी चाहिए कोई ऐसा कार्यक्रम जो है बैंकर्स के बीच में भी चलाना चाहिए कि कैसे उनको डील करना है और कैसे सहयोग करना है जो गति है हमारी वो धीमी ना पड़े उसके लिए नहीं इसमें बैंक्स ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं और जो ग्राउंड लेवल पे भी रूरल एरियाज़ में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आई थिंक सभी बैंक्स कराते हैं ओके और सभी बैंक्स का एक ट्रेनिंग सिस्टम भी है ओके okay, जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वहाँ भी लोगों को बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए वो वन वीक का फिफ्टीन ड्रेस का इस तरह का प्रोग्राम रहता है और जब से ये वर्चुअल डिजिटल हमारी जो अवेयरनेस शुरू हुआ है डिजिटल जो है दैट हम लोग इंटरेक्शन कर पा रहे हैं इससे काफ़ी इंट्रैक्शन बढ़ा है और अगर आप देखेंगे अभी बैंक्स के रिजल्ट सभी के आपने देखे हैं कि डिक्लेयर हुए हैं सभी बैंक्स ने चाहे वो एग्रीकल्चर हो एमएसएमई हो चाहे लार्ज कॉर्पोरेट्स हो सभी सेक्टर्स में शायद सभी बैंक्स ने उसमें ग्रोथ शो किया है और मिनिम अगर देखें तो टेन टू ट्वेल्व परसेंट एडवांस ग्रोथ आई थिंक सभी बैंक्स ने शो किया तो इट मीन्स कि इट्स इंडिकेट्स कि बैंक्स आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर लैंडिंग एंड सेकेंडली जो एन वाला जो कंसर्न एक रहता था ऑन द अपोजिट साइड दैट द एन पी ए परसेंटेज ऑल्सो रिड्यूसिंग डे बाई डे सो दीज आर द टू गुड फैक्टर्स आई कैन से मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये बात उनकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ठीक भी है देखिए अवेयरनेस की बात यह है कि चाहे वो एम एस एम ईज हो स्टार्टअप हो या वो बैंकर्स हों अवेयरनेस की जो कमी है वो सभी जगह पर खाली बैंकर्स में नहीं और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम देखें और भी जगह पर देखें तो ये जो जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स तो बहुत आ जाती हैं कई बार उनको पता नहीं चल पाता तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस काफ़ी कुछ कर रही है अवेयरनेस के लिए हमने एक एम एस एम ई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर भी जितनी भी स्कीम्स हैं वो सभी पोस्ट की हैं हमने बैंक्स को ये भी रिक्वेस्ट किया है रिसेंटली कि हम बैंकर्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जहाँ पर ये टायर टू टायर थ्री और भी नीचे जाकर हम उन जो बैंकर्स हैं उन लोगों को अगर ये स्कीम है हम बता सकें तो हम भी अपना हाथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन एम और स्टार्टअप की शायद और ज़्यादा मदद कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आ, अलग अलग मंत्रालय हैं और अलग अलग मंत्रालय की भी अपनी खुद की वेबसाइट है प्रधानमंत्री की खुद की अपनी वेबसाइट है न केवल आ, वेबसाइट के माध्यम से वो बहुत सारी सूचनाएं प्रेषित करते हैं बल्कि आ, आप भी अपनी बात जो है प्रधानमंत्री तक या प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं वो सुविधा भी है लेकिन हम देखते हैं कि हम थोड़े से आदि हो गए हैं सिस्टम को कहीं ना कहीं उल्हाने देने के लिए हम अपने प्रयास थोड़े से कम करते हैं हम जो है सही जो अधिकारी हैं उन तक बात नहीं पहुंचाते हैं या फिर जो एक प्रणाली होती है उसका लाभ उठाने की कोशिश नहीं करते हैं यहाँ पर बार बार दो करें कोई वहाँ पीछे से कुछ बोलना चाहता है माइक आपके पास बेसिकली वेन वी टॉक अबाउट अवेयरनेस अवेयरनेस इज समथिंग जो सिर्फ सरकार का अकेले का काम नहीं है सभी का काम है एक दूसरे को एजुकेट करना ट्रेनिंग देना राइट आई एम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर हम लोग खुद लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं क्या गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स दे रही है अगर वो आत्मनिर्भर भारत में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं वी आर ट्राइंग टू मेक एंट्रप्रेन्योर्स वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू क्रिएट अ इकोनॉमिक चेन बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट राज की तरफ रुझान कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा झिझकते हैं उनके साथ अपनी इस यात्रा को शेयर करते हैं या करना चाहिए आप जैसे लोगों को बिल्कुल और अगर है तो उसके लिए क्या माध्यम होना चाहिए बेसिकली जो मेरा मानना है वो की एक उद्यमी बनना है आपको उद्यमी बनना है तो उसके अंदर जो आपको कठिनाइयाँ आई हैं उन सभी एक्सपीरियंसिस को आपको लोगों से शेयर करना है वाया सोशल मीडिया जब आप किसी कम्युनिटी के अंदर बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी में बताएं कि उन्होंने इस तरह की हार्डशिप्स को झेला है और उसके बाद में दे हैव केम अप जी विद दिस फॉर्मूला एंड दे हैव लर्न थिंग्स एंड देव अर्न और वो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि हम जब उद्यमी बनते हैं तो हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए काम करते हैं लेकिन आप देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा सहयोग करते हैं और जब अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं तो भारत जैसा देश जो गांव का देश कहलाया जाता है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है उसके करीब पहुंचता है आप कुछ बार बार कह रहे हैं माइक सर जी जी जी, जी मेरा नाम प्रकाश है मैं बेंगलोर से आया हूँ मैंने एक ऐसा कंपनी चालू किया है मेरा स्टार्टअप कंपनी है गैप बिटवीन एम एस एम बायर्स और बिटवीन बैंकर्स वी आर फिनटेक कंपनी इन द नेम कॉल लोन डॉक्टर वी आर कनेक्ट जो कस्टमर्स uh, का जो पेन है जो बैंकर का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फिलफिल कर रहे हैं बेंगलुरु में अब तक हमने दो कस्टमर्स को हमने uh, एक कनेक्ट uh, किया है बैंक जी, में जी जी क्या बात है जी। तो मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन था मैं 2002 से बिजनेस शुरू किया और बिल्कुल एमएसएमई के परस्पेक्टिव से अनअवेयर लाला सीए ने कह दिया प्रॉफिट कम दिखाओ ये करो सबसे पहला चेंज मुझे खुद को करना पड़ा आज मैं अगर स्टार्टअप का फाउंडर और सीईओ हूं तो मैंने अपने ट्रेडिशनल माइंड को पीछे रख के आगे के दस साल सोचा ना कि पिछले दस सालों में क्या कमियां रही पहली बात दूसरी बात अवेयरनेस गवर्नमेंट का या बॉडीज का ही रीज़न नहीं होता ये पार्टनरशिप होती है पीपीपी जिसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है और हम भी एफर्ट कर रहे हैं उसको जानने और सीखने के लिए और अगर मैंने ये बोला है कि दो स्कीम ए टी बेनिफिट और सी जी तो ये प्रूवन बिना डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए मैंने अपनी अवेयरनेस से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही अवेल की है और तीसरा जो आपका प्रश्न था कि गिविंग बैक टू सोसाइटी तो मैं पॉलिटिकल आइडियालॉजी अगर रख, अलग रखूँ और दिल्ली से हूँ तो मैं बिज़नेस ब्लास्टर प्रोग्राम का भी मैंटर हूँ और स्कूलों में जाके 11वीं ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के बच्चों को एंटरप्रेनरशिप सिखाई है तो सीखना ही नहीं है सिखाना भी है जिससे कि आगे वाली जनरेशन 27 करोड़ लोग थे जब हमें आज़ादी मिली आज 142 करोड़ हैं अगर आगे जॉब गिविंग इकोनमी नहीं बनी तो हम एक दूसरे को खाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएंगे जब ग्लोबल लेवल पे चाइना प्लस वन की बात करते हैं तो वो वन इंडिया ही है इंडिया ही होगा और भारत ही बनेगा वो वन चलते चलते बात की है इन्होंने स्टूडेंट्स की बात की है बहुत सारे ऐसे हायर स्टडी कोर्सेज हैं जो आपको उद्यमी बनाते हैं लेकिन क्या उद्यमी बनने के लिए हमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा में ही उद्यमी बनने की शिक्षा को समाहित करना चाहिए हम बहुत नज़दीक आ गए हैं समापन के तो जल्दी जल्दी दो चार लोग बोल दें जी बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इसीलिए शायद हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर हमने कहा है एमएसएमई की पाठशाला उसमें हम यही कर रहे हैं कि आपको बिजनेस शुरू करने से पहले और हमारी उसमें इच्छा भी यही है कि जो स्कूल्स में जो बच्चे हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट देखिए ऐसे होते हैं कि जिनका शायद पूरी लाइफ में कहीं कोई बहुत यूज़ नहीं होता है ठीक है लेकिन हम फिर भी वो पढ़ते हैं तो उसके साथ में अगर ये एंटरप्रनरशिप प्रोग्राम का भी हम शुभारंभ कर सकें जो हमने ऑलरेडी कर दिया है इस एम की पाठशाला के थ्रू तो मैं समझता हूँ अगर बच्चों को शुरू से बताया जाए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है कैसे बचाना है कैसे आप अपने बिजनेस में क्या क्या जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर कहें हम कि क्या एथिक्स हमें अपनानी चाहिए वो मुझे पूरा मैं उस बात में आपके पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो पढ़ाई है ये शुरू से शायद ज़रूर होनी चाहिए इसका भी एक कोर्स होना चाहिए और इसके लिए हाँ जैसे उन्होंने कहा कि आई ऑल्सो गो टू स्कूल्स डेली के स्कूल्स में ये बच्चों को पढ़ाने के लिए और जब हम उनसे मिलते हैं तो दिल में इतनी खुशी होती है क्योंकि जो उनके आइडिया हैं शायद वो हमारे आइडिया से बहुत ऊपर है उनकी सोच हमारी सोच से शायद बहुत ऊपर है जी जी तो क्या क्या उत्साह में बहुत वृद्धि हुई है युवाओं के जब से ये स्टार्टअप शुरू हुआ है और बैंकों का थोड़ा सा सहयोग मिल रहा है और सरकार ने कहीं ना कहीं उनके लिए मार्ग जो प्रशस्त किया है उत्साह बढ़ा है युवाओं देखिए पहले लोग नौकरी में अपने आप को सुरक्षित समझते थे जी अब सेल्फ होने में सुरक्षित समझते हैं मैं भाई साहब की एक बात बोलूंगा जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से बोली ना जी अगर आपके आईडिया में दम है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बात करने का किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी बैंक ऑफिसर से वो आपकी बात सुनेगा अगर आपके आइडिया में दम तो नहीं है कॉन्फिडेंस में कमी है दूसरी बात गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल दी एक सेकेंड मैं आपकी बात मानता हूँ गवर्नमेंट ने स्कीम नहीं जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा आप स्कूल को समझिए आगे बढ़िए डिस्कस कीजिए पर्सन करना आपका काम है वो मना करता है उसको रिटर्न में मांगिए मना कर रहा है तो क्योंकि नाइनटी काम आज काम डिजिटल है डिजिटल पे है सर उसकी नहीं आप कॉन्फिडेंस से बात कीजिए चलिए वहाँ पर भी एक सज्जन है जो बार बार जी जी पहले बैलिए जी जी मैं सर आ, सर की बात को आगे ले जाना चाहूँगा जैसे सर ने बोला कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ तो स्टॉक मार्केट में लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ मेरी ट्रेनिंग के नीचे जो लोग सीखे हैं वो पाँच से छः महीने का कमाते हैं मतलब कि पाँच से छः परसेंट हो गया साठ से सत्तर परसेंट का वो रिटर्न खुद कमा लेते हैं ठीक है तो अभी मैं भी पाँच से छः मतलब छः से सात परसेंट का रिटर्न मैं खुद कमाता हूँ तो उसके ऊपर मेरे को आ, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों ने मेरे को मतलब पैसे दिए हुए हैं करीब सत्तर लाख रुपए के आसपास जो दिए हुए हैं और तीस लाख रुपए मेरा अपना है उस पर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो अगर लेकिन मैं आ, खुद तो प्रॉफिट कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट भी प्रॉफिट कर रहे हैं पाँच से छः परसेंट लेकिन अगर वो बैंकिंग से अगर जाते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आ, आ, उसके लिए जाते हैं लोन के लिए तो स्टॉक मार्केट में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोग अभी उसको इतना मानते नहीं है और उनको लोन नहीं दिया है जी इसीलिए इसी तरीके के कार्यक्रम हम लगातार कर रहे हैं एक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं उनको माइक दे दीजिए और उसके बाद हम जो है अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे यही थैंक यू सर फॉर माइक सर इफ यू शुड अर्न देन यू शुड लर्न फर्स्ट अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा सीखने के लिए सिर्फ किताब और नोटबुक पेन नहीं जरूरत नहीं है बहुत सारे चीज़ों जैसे सीख सकते हैं आप एक्सपीरियंस आप किसी का शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस किसी से ले सकते हैं यही सिस्टम अगर रहेगा तो आप कोई भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत भी है वो बहुत अच्छा एंटरप्रेनर बन सकता है और, और उसका सबसे बहुत, बहुत सारे इम्पोर्टेंस ये, ये है कि देखिए आप धीरू भाई अम्बानी को देखिए बहुत सारे लोग हैं हमारे आइडल जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके नीचे बहुत सारे लोग काम ऐसे कर रहे हैं कि वो बिजनेस लेवल को पहुंचा सका है इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सका है तो आपको सीखना थोड़ा पड़ेगा लेकिन कैसे सीखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है जी सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौड़ है जिसमें हम सब लोग दौड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस दौड़ से देश को आत्मनिर्भर बनाने की अगर इस दौड़ में हमारा कोई साथी पीछे छूट जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़े उसको सहयोग करें और उसको भी अपनी गति के साथ लेकर आए और भारत को आत्मनिर्भर देश बनाए आवाज देश की मैं आज के लिए इतना ही आवाज देश की मैं आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए लेकिन देखते रहिए संसद टीवी नमस्कार